नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से मिले अंतरिम जमानत, लेकिन नहीं होंगे रिहा। दरअसल ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया। यूपी के 800 गांव बाढ़ में डूबे, तो वहीं दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट तक पानी भरा। बद्रीनाथ रूट पर लैंडस्लाइड के कारण लगभग 4000 श्रद्धालु फंसे हुए। हाथरस में हुए बाबा के सत्संग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। आपको बता दें, याचिका में जांच कमेटी की मांग की गई थी। हिमाचल मंडी से सांसद कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, कहा उनके मिलने वाले मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड लेकर आए। साथ ही कहा मिलने आने वाले लोगों को अपने आने का मकसद कागज पर लिखकर देना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के 11 सीटों के लिए आज रही वोटिंग जारी। 270 विधायकों ने वोट डाले। शाम 4 बजे तक हुए मतदान, 5 बजे शुरू हुई काउंटिंग। नेपाल में भूस्खलन के बाद नदी में बह गई यात्रियों से भरी 2 बसें, हादसे में 7 भारतीयों की गई जान, कई हुए लापता। मानसून की बारिश में मुंबई हुआ पानी पानी, कई जगह हुआ जलभराव। 48 घंटे भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। बात करें शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स 996 अंक चढ़ा 80,893 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। निफ्टी में भी 200 अंक से ज्यादा की रही तेजी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के 3 अगस्त तक प्रस्तावित दौरे को लेकर शिक्षा निदेशालय की हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद शाखा ने शेड्यूल जारी कर दिया है। दरअसल मंत्री सहित आला अधिकारियों के दौरे को लेकर हर जिले के डीसी एडीसी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक लेनी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार और व्यवस्थागत स्थिति को परखने के लिए शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगी। इस दौरान वे शिक्षकों, विद्यार्थियों व स्कूल प्रबंधन समिति SMC के सदस्यों से सीधे रूबरू होंगी। उन्होंने 10 जुलाई से इसकी शुरुआत भी कर दी है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, अतिरिक्त मुख्य सचिव विनित गर्ग, सीनियर सेकेंडरी निदेशक, मौलिक शिक्षा निदेशक लोगों से मिलकर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बताते चले कि मंत्री के 3 अगस्त तक प्रस्तावित दौरे को लेकर शिक्षा निदेशालय की हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद शाखा ने शेड्यूल जारी कर दिया है। सुबह व शाम की पाली में वे जिलों में MSC के करीब 1000 सदस्यों के अलावा DEEO और VEO से भी रूबरू होकर शिक्षा संसाधनों, सुविधाओं और समस्याओं को जानेंगी। वहीं जिसके लिए मंत्री सहित आला अधिकारियों के दौरे को लेकर हर जिले के DC ADC सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक भी लेनी शुरू कर दी है। पंजाब के किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया था। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया था। तब से शंभू बॉर्डर बंद था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। किसान आंदोलन के कारण बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि किसान अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हो? ऐसा कैसे रास्ता रोका जा सकता है? गुरुवार को ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए 6 माह पहले बंद किए गए शंभू बॉर्डर को 1 सप्ताह में खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा था कि यह बॉर्डर पंजाब हरियाणा दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच नागरिकों को आवाजाही के लिए जीवन रेखा है, इसे बंद रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार को जाग जाना चाहिए, शंभू बॉर्डर को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि कानून व्यवस्था बनी रहे और राजमार्ग को उनके मूल गौरव पर बहाल किया जाए। वहीं न्यायालय ने किसान संघ को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे कानून का पालन करें। भिवाड़ी के तोशाम हलके से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द नहीं होगी। दरअसल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी तोशाम की विधायक के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद और मुख्य
सचेतक बीवी बत्रा ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के समक्ष याचिका लगाई है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल की पुत्र वधु और पूर्व मंत्री किशन चौधरी के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस तीसरी बार विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पहुंची है। किरण चौधरी अधिकृत रूप से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं, लेकिन किरण ने अभी तक कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इसको लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। वहीं किरण के भाजपा में शामिल होने के अगले ही दिन आफताब अहमद और बीबी बत्रा ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की मांग को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खारिज कर दिया है। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है। दरअसल मामला ये है कि पुलिस हिरासत में पिछले दिनों गाजीपुर निवासी अमित की मौत होने के मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 और टाउन नंबर 2 पुलिस चौकी इंचार्ज अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। उधर मृतक के परिवार वालों ने पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में आदर्श नगर बल्लभगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं मृतक अमित का भाई सुमित चश्मदीद गवाह है, जिसके सामने क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों ने अमित को पीटा था। इसके अलावा मृतक के पिता का आरोप है कि उसके बेटे को जहां चाकू लगा था वहीं पर पुलिसकर्मियों ने चोट मारी है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की, तो आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से पंजाब पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इस दौरान कम दबाव क्षेत्र की रेखा हरियाणा एनसीआर व दिल्ली पर पहुंचने की संभावना है। इसकी वजह से ही हरियाणा एनसीआर व दिल्ली में सुस्त पड़ा हुआ मानसून तेजी पकड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि कम दबाव क्षेत्र की रेखा खिसक कर प्रदेश में पहुँचने के कारण 12 से 14 जुलाई के बीच बारिश के आसार हैं, जहां भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तरी जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 14 जुलाई तक हरियाणा एनसीआर व दिल्ली के उत्तरी और पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बताई गई है। वहीं शेष हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।